हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला सो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमिस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के स्किल इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स यानी कि एस पेपर यो आर लॉज योर राइट्स की यूनिट टू को आप लोगों की यूनिट टू है लॉज रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इसके पहले की वीडियो के माध्यम से हमने जानने और समझने का प्रयास किया है कि आखिर का कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ़ लॉ है क्या एंड साथ ही जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो है क्या दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं कैसे एसोसिएटेड हैं इन सभी को हमने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश की है जो आप लोगों की यूनिट टू है उसके अंदर आपको पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो कि रिलेटेड हैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उससे कौन कौन से कानून जो हैं रिलेटेड हैं वो सभी के सभी आपको यूनिट टू के अंदर कवर करने हैं पढ़ने हैं ये इस यूनिट का पार्ट वन है जिसके अंदर हम विस्तारपूर्वक जानेंगे कि आखिरकार क्या है इंट्रोडक्शन क्या है परिचय लॉ इज़ रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का दैन उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से एम हैं क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव हैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के एंड उसके बाद इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे क्रिमिनल ओफेंसिस के बारे में जिनको हमारे सी आर पी सी के माध्यम से एक जो क्राइम के तौर पर जो हैं डिफाइन किया गया है या फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसिस कितने तरीके के क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस को किस किस तरीके से किस लेवल के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है सो so, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड विस्तारपूर्वक जानते हैं लॉज रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है एज सुन एज पॉसिबल आप जो हैं उन वीडियोस को देखें जानने और समझने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को एंड सो ऑन द पीपल कैन नॉट इंजॉय देअर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रीली इन एन एटमोस्फियर ऑफ डिस्ट्रस्ट हेटर्ड फ्री एंड इन सिक्योरिटी सिंस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ पीपल्स राइट्स एंड मेंटेन ऑर्डर इट्स परफॉर्मेंस हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट टाइम में जो सोसाइटी है एंड जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा सिटीजन के लिए जो भी राइट्स जो हैं दिए गए हैं आज के टाइम में मानव जो है जो सिटीज़न हैं उनको फ्रीली इन्जॉय नहीं कर सकता है क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर ऐसा है जो कि भरा हुआ है पूरे का पूरा डिस्ट्रस्ट से हेटर्ड से फियर से एंड इनसिक्योरिटी से इसलिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दी गई है आपराधिक न्याय प्रणाली को यानी कि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जो है पीपल्स के राइट को जो है बचाव करें पीपल्स के जो राइट हैं उनको वायलेट ना होने दे एंड जो भी गलत होता है सोसाइटी में उससे लोगों को बचाए सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट को एंड एक ओवरव्यू लेते हैं कि आखिरकार आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं सो अस अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट टू दिस यूनिट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन हैव अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप देखिए इसमें कहा गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों के दोनों जो हैं एक रेसी प्रोकर रिलेशनशिप में बंधे हुई हैं रेसी प्रोकर रिलेशनशिप का मतलब है पारस्परिक संबंध दोनों के बीच जो है एक ऐसा पारिक ऐसा पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है जिसमें अगर हम बात करें कि ये पारस्परिक संबंध क्यों है सो so, देखिए हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है कुछ ऐसी सर्टेन बेसिक राइट्स को वहीं अदर हैंड अगर हम बात करें क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की यानी कि आपराधिक न्याय प्रणाली की जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें बाय इन्फोर्सिंग लॉज एंड पनिशिंग द ऑफेंडर्स जो भी सोसाइटी के अंदर गलत करते हैं लोग जो भी ऑफेंस करते हैं उनसे हमें बचाता है हमें सिक्योरिटी जो है एक तरीके से क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोवाइड करता है सो so, इस प्रकार इसमें कहा गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों के दोनों जो हैं एक रैसी रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं प्रत्येक सभ्य समाज में यानी कि हर एक एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी में आपराधिक न्याय प्रणाली यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उन लॉज से बनी होती है उन लॉज से कंपोज होती है जो कि रिलेट करते हैं सोसाइटी के क्राइम्स को एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है जो भी सोसाइटी के अंदर क्राइम्स होते हैं उनसे हमें बचाता है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजिस ऑफ द पुलिस बार जुडिशरी एंड प्रिजन्स अगर हम बात करें क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है किन चीज़ों से कंप्राइज होकर बना है सो so, देखिए इसके अंदर जो है इंक्लूड करा गया है उन सभी चीज़ों को जैसे कि पुलिस बार जुडिशरी एंड प्रिजेंस को इन चार चीज़ों को जो है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंप्राइज किया गया है क्रिमिनल जस्टिस रेफर्स टू द एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट चार्ज विद इन्फोर्सिंग लॉ एड क्राइम एंड करेक्टिंग कंडक्ट अगर हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करें तो ये रेफ़र करता है उन सभी की सभी एजेंसीज़ के साथ जो गवर्नमेंट की ऐसे एजेंसीज़ के साथ ही रेफ़र करता है जिनको चार्ज दिया गया है इन्फोर्सिंग लॉ जो कि लॉ को एन्फोर्स करते हैं एंड एडजुकी एंड जो क्राइम है उसको एडजुटिकेट करते हैं एंड जो भी सोसाइटी के अंदर गलत हुआ है उसको मॉरली जो है विद पनिशमेंट जो है उनको करेक्ट करते हैं इन इंडिया द प्रोसीजरल लॉ और लॉ ऑफ प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यानी कि सी आर पी सी अब देखिए यहाँ पर बात करी गई है कि भारत के अंदर जो प्रोसीजरल लॉ है या फिर जो लॉ ऑफ प्रोसीजर है वो लेड डाउन करा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में लेकिन सबसे पहले आप ये जाने कि आखिरकार प्रोसीजरल ये जो प्रोसीजरल लॉ है ये क्या चीज है सो देखिए फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ लॉ को मेंटेन करने के लिए एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को सोसाइटी के अंदर मेंटेन करने के लिए लॉ होल्ड्स थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल्स एंड मेक अटेम्प्ट टू पनिश सच ऑफेंडर्स फॉर द क्राइम कमिटेड जो भी सोसाइटी के अंदर कोई लोग गलत करते हैं उनको सजा दी जाती है ठीक है हमारे यहाँ ऐसे लॉज को इन्फोर्स किया गया है एंड डियर फॉर क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट ऑफ बॉथ इसलिए जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर दो चीज़ों को हमने कंसिस्ट किया है जिसमें सबसे पहला है सब्सटेंटिव लॉ एंड दूसरा जो है वो है प्रोसीजरल लॉ अगर हम बात करें सब्सटेंटिव लॉ की जिसको हिंदी में कहते हैं मूल कानून अगर हम मूल कानून की बात करें तो ये ऐसे कानून हैं विच डिफाइन्स ऑफेंसिस जो कि ऑफेंसिस यानी कि जो गुनाह है उसको डिफाइन करते हैं एंड सेट डाउन द पनिशमेंट और जो पनिशमेंट है उसको सेट करते हैं फॉर द क्राइम जो भी क्राइम हुआ है एंड द प्रोसीजरल लॉ अगर हम बात करें अदर हैंड प्रोसीजरल लॉ की यानि की प्रक्रियात्मक कानून की सो ये जो हैं ऐसे कानून हैं विच एडमिनिस्टर द सब्सटेंटि लॉ जो कि सब्सटेंटिव लॉ को जो है एडमिनिस्टर करते हैं ठीक है अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो जो जो प्रोसीजरल लॉ है जो प्रक्रियात्मक कानून है या फिर लॉ ऑफ़ प्रोसीजर है वो हमारे यहाँ क्राइम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सी आर पी सी नाइनटीन सेवनटी थ्री के अंदर लेट डाउन किया गया है अगर हम बात करें सी आर पी सी की यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड की सो ये अप्लाई करता है क्राइम अंडर इंडियन पिनल कोड एंड ऑफेंसिस अंडर सेंटर एक्ट एंड स्टेट जो भी क्राइम सेंटर एक्ट के अंदर आते हैं या फिर ऐसे ऐसे क्राइम जो कि स्टेट के अंदर आते हैं वो सभी के सभी सी आर पी सी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं द रोल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ टू रेगुलेट एंड प्रोवाइड अ मकैनिज्म रिलेटेड टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एनी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड ट्रायल अगर हम रोल की बात करें कि आखिरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या रोल है सो ये रेगुलेट करता है प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज़्म रिलेटेड टू द प्रोसीजर जो कि ऐसे प्रोसीजर से रिलेट करता है जो कि फॉलोड किया जाता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी इंक्वायरी के टाइम या फिर किसी भी ट्रायल के टाइम अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें आखिरकार एक क्या मेन ऑब्जेक्टिव है उद्देश्य है क्रिमिनल लॉज का तो वो है कि टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी अगेंस्ट द रॉन्ग टूवर्ड्स जो भी सोसाइटी के अंदर गलत करता है जो भी गलत हुआ है उसके अगेंस्ट ये जो जो है है एक एक एक्शन जो, जो है लेता है एंड द लॉ ब्रेकर कानून को तोड़ता है सोसाइटी के अंदर उसके अगेंस्ट जो है ये एक्शन जो है लेता है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज एसेंसली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो जो है एक तरीके से सोसाइटी में काफ़ी काफ़ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोसाइटी में सोशल सोशल को सोशल कंट्रोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी यूज़फुल है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन देयरफॉर प्रोसीजर रिलेटेड टू डिटेंशन ऑफ क्राइम अब ऐसे प्रोसीजर जो कि रिलेटेड हैं डिटेंशन ऑफ क्राइम अरेस्ट डिटरमिनेशन ऑफ गिल्ट राइट ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स ये सभी के सभी जो हैं पार्ट हैं प्रोसीजरल लॉ के सो so, ये जो है इंट्रोडक्शन था आपके इस यूनिट से आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार क्या है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ये इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर क्यों लॉज को इसके अंदर रखा गया है एंड सी आर पी सी जो है ये क्या है अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स कर का रिप्लाई करने का आपके जो भी डाउट्स हैं आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको रिजॉल्व करने का सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सो so, देखिए अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सो so उनको इस प्रकार कैटेगराइज किया जा सकता है जैसे कि प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ क्राइम यानी कि अपराध की घटना को रोकना सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना हो अपराध को रोकना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसका मेन पर्पस है इसका मेन एम है देन उसके बाद जो सेकेंड है वो है पनिश द ट्रांसग्रेजर्स एंड द क्रिमिनल्स जो अपराधी हैं उनको जो है पनिश करना जो भी जिसने भी अपराध किया है उसको एक प्रकार से दंडित करना इसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है मेन पर्पस है देन उसके बाद नेक्स्ट है रिहेबिलिटेट द ट्रांसग्रेजर्स एंड द क्रिमिनल्स जो भी क्रिमिनल है ठीक है उनको एक प्रकार से रिहेबिलिटेट करना यानी कि पुनर्वास करना इसका एक मेन पर्सपेक्टिव है देन उसके बाद है कम्पेंसे कम्पेंसटेट द विक्टिम्स एज फार एज पॉसिबल यानी कि कंपेन्सेट करना विक्टिम के क्या करना कंपेन्से कंपेन्ट मतलब होता है कि उनको एक प्रकार से यथासंभव जो है मुआवजा या फिर यथासंभव जो भी हेल्प है उनकी की जा सके एज सुन एज पॉसिबल देन उसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि सोसाइटी के अंदर जो भी लॉ हैं जो भी ऑर्डर हैं उसको बनाए रखने के लिए उसमें जो लॉ है उसमें जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होना देन लास्ट है डेटर द ओफेंडर्स फ्रॉम कमिटिंग क्रिमिनल एक्ट इन द फ्यूचर ओफेंडर्स को डेटर करना उनको समझाना कि वो जो है आगे चलकर फ्यूचर में कोई भी प्रकार का क्राइम जो है ना करें ये जो हैं कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं ये कुछ मेन पर्पस हैं मेन एम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जिसमें मेन एम है सबसे पहला कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन रहेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं होगा किसी भी प्रकार का कोई जो है लॉ जो है टूटेगा नहीं द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन डेट प्लेज़ मोर क्रिशुअल रोल इन मेंटेनिंग द पीपल्स फेथ इन द होल सोसाइटी डिलीवरी सिस्टम जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो प्ले करता है एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग द पीपल्स फेथ जो पीपल्स का जो फेथ है उसको बनाए रखने के लिए मेनटेन करने के लिए इन द होल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम द टू मेन स्टेटस विच डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केसेज अब देखिए कुछ दो ऐसे स्टेटस बताए गए हैं जो कि डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केसेज से हमारे कंट्री के अंदर वो हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सी आर पी सी एंड इंडियन पीनल कोड ये दो कोड जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से कोड जो है इंपॉर्टेंट हैं तो आप इनको वहां पर जरूर मेंशन करें बेहतर तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन कर लें ज्यादातर क्वेश्चन पेपर के अंदर नॉट के रूप में पूछा जा सकता है कि क्या है कि क्या या फिर इंडियन पिनल कोड जो है वो क्या है सो आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पर क्लियर होगा होगा कि आखिरकार क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं क्या क्या पर्पस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नाउ डी ऑल अस नो द टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस हमारे जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर किस प्रकार के एंड किन तरीके के ऑफेंसेस को क्रिमिनल ऑफेंसेस के नाम से जाना गया है आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं अगर हम बात करें क्रिमिनल ऑफेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं सो देखिए क्रिमिनल ऑफेंसेस को हिंदी में कहते हैं आपराधिक अपराध हमारे आपराधिक अपराध कौन कौन से हैं आइए देखते हैं द प्रोसीजर ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन आर कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेजेस अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के प्रोसीजर के बारे में तो इसको हमारे कंट्री के अंदर डिवाइड किया गया है तीन डिफरेंट स्टेजस में जिसमें पहला है इन्वेस्टिगेशन दूसरा है इंक्वायरी एंड तीसरा है ट्रायल द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यानी कि सी आर पी सी प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोसीजर टू द बी फॉलोड इन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड ट्रायल जो भी प्रोसीज़र है रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल ये सभी के सभी जो हैं प्रोवाइड करता है हमारा सी आर पी सी फॉर एवरी ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड कोई भी ऑफेंस जो कि इंडियन पिनल कोड के अंडर आता है और अंडर एनी अदर लॉ या फिर दूसरे अदर लॉ के अंडर आता है वो सभी के सभी का प्रोसीजर जो है 1973 सीआरपीसी के तहत दिया गया है बिफोर डिस्कसिंग द प्रोसीजर ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसिस कितने प्रकार के ऑफेंसिस जो हैं हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल किए गए हैं So, सबसे पहला है कग्जेबल एंड दूसरा है नॉन कग्निजेबल ऑफेंस देन उसके बाद है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस देन लास्ट वन है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आइए विस्तारपूर्वक जानते हैं हर एक ऑफेंस के बारे में आखिरकार कग्निजेबल ऑफेंस क्या है नॉन कग्निजेबल ऑफेंस क्या है बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं

एंड उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार नॉन कग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंगीय अपराध है क्या सो so देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में सो so ये जो हैं ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है ये पावर होती है कि वो उस व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने किसी भी क्राइम को कमिट किया है उसको बिना वारंट के जो है अरेस्ट कर सकती है इसमें ये मेन हाईलाइट पॉइंट है कि अरेस्ट विदाउट अ वारंट कि उस व्यक्ति को बिना वारंट के जो है पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है ये अथॉरिटी ये पावर जो है इस ऑफेंसिस के थ्रू जो है इसको दी गई है द पुलिस आफ्टर सच एंड अरेस्ट कैन ऑल्सो कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट और पुलिस के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो बिना मजिस्ट्रेट या फिर जो कोर्ट है बिना उसके ऑर्डर के बिना भी वो जो है इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट कर सकती है एंड कॉग्नीजेबल ओफेंसिस आर क्राइम्स विच कैन बी कैटेगराइज एज हीनियस क्राइम कहीं ना कहीं जो कागनीजेबल ऑफेंस हैं ये ऐसे कैटेगराइज किए गए हैं ये ऐसे कैटेगराइज़ किए गए हैं कि ऐसे क्राइम जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक हैं काफ़ी ज़्यादा हीनियस हैं ठीक है एंड दे आर बाई सीरियस इन नेचर और ये प्रकृति के स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्राइम है अगर हम बात करें कुछ एग्ज़ाम्पल की तो देखिए इसके अंदर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसमें ऐसे क्राइम हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं सीरियस हैं जिसके अंदर किडनैपिंग रेप डेथ ए डेथ ऑन अकाउंट ऑफ डॉरी मर्डर थेफ्ट ये सभी के सभी जो हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर दिए गए हैं अगर हम हिंदी में कहें तो जो ये संघेय अपराध हैं इसके अंदर ऐसे कानून ऐसे अपराध को शामिल किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं काफ़ी ज़्यादा घातक हैं जिसमें किडनैप दिया गया है यानी कि किसी का अपहरण कर लेना किसी के साथ बलात्कार करना या फिर किसी की दहेज के मारे जो है उसकी मृत्यु कर देना मर्डर कर देना कत्ल कर देना चोरी करना ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं देन अगर हम बात करें ऑन दी अदर साइड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की यानी कि असंग अपराध की तो ये जो हैं ऐसे अपराध हैं ऐसे ऑफेंसेस हैं आर दोज ऑफेंसेस विच आर नॉट ऑफ सीरियस नेचर लाइक कॉग्निजेबल ऑफेंस ये कुछ कम सीरियस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस से अगर हम कंपेयर करें तो एंड इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हम इस, इस इन तरीके के अपराध के बारे में बात करें सो पॉइंटेड इन सेक्शन 155 फिफ्टी सीआरपीसी टू का सेक्शन जो है 155 फाइव इसके अंतर्गत दिया गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन इसमें पुलिस डिपार्टमेंट जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट जब तक एक प्रायर अप्रूवल ना जाए कोर्ट या मजिस्ट्रेट से ऑल्सो केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज द पुलिस कैन नीदर रजिस्टर एन एफ आई आर नॉर कंडिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट इसमें बिना कोर्ट के परमिशन के जो है पुलिस ना ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है ना ही एफ आई आर दर्ज कर सकती है एंड सो ऑन इसके अंदर अगर हम क्राइम की बात करें तो इसमें ऐसे क्राइम दिए गए हैं जैसे कि न्यूसेंस फॉरेगरी चीटिंग ये सभी के सभी जो हैं इसके अंदर दिए गए हैं अगर हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो ये जो असंघ्य अपराध हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से कंपेयर करें तो कुछ कम सीरियस के नेचर के होते हैं एंड अगर हम बात करें फॉर कैरी की फॉर कैरी का मतलब है जाल जालसाजी ठीक है एंड इसके अंदर दिया गया है चीटिंग का भी तो ये है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजिबल ऑफेंस में बात यह है कि बिना वारंट के पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है एंड उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है जिसने क्राइम को कमिट किया है एंड इसका जस्ट अपोजिट जो है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हो क्या होगा कि आखिरकार क्या है नॉन कॉग्निजिबल एंड कॉग्निजिबल ऑफेंस अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर, कर पूछ सकते हैं नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में तो वो हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि जमानती और गैर जमानती अपराध अगर हम बात करें बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में यानी कि जमानती अपराध के बारे में सो यहाँ पर लिखा गया है कि बेलेबल ऑफेंसेस आर ऑफेंसेस विच आर लिस्टेड इन सेक्शन टू ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सीआरपीसी 1973 का जो सेक्शन टू ए है उसके अंदर इन ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई है दे आर ऑफेंसेस डेट आर लेस सीरियस इन नेचर ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो प्रकृति के स्वभाव से काफ़ी कम सीरियस होते हैं एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसिज एंड द एक्यूज कैन बी क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट एंड इसमें जो है जिसने भी अपराध किया है उसके पास ये अधिकार होता है कि उसको जो है बेल यानी कि जमानत जो है उसको दी जाए इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसिस इफ़ द एक्यूज प्रोड्यूसिस स्योरिटी एंड फुलफिल कंडीशंस इस बेलेबल ऑफेंसिस के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है एंड कुछ टर्म्स एंड जो कुछ टर्म्स एंड कुछ कंडीशंस अगर वो फुलफ़िल करता है स्योरिटी ठीक है तो उसको जो है जमानत दे दी जाती है एंड इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू ग्रांट बेल अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती अपराध के बारे में सो ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि सीरियस हैं एंड ग्रेव हैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा ए, ए, इनको थोड़ा सीरियसली बताया गया है का अगर कंपेयर करें बेलेबल ऑफेंसेस से एंड अंडर सच ऑफेंसिज इट इज़ मैंडेट्री टू प्रजेंट द एक्ूज बिफोर द मजिस्ट्रेट जज विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ अरेस्ट अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है और उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको चौबीस घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट या फिर जो जज है उसके सामने जो है पेश करना होता है ग्रांटिंग बेल इन सच ऑफेंसिज इज़ लेफ टू द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट एंड विच कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द क्राइम कमिटेड इसमें ये बात डिसाइड करी जाती है अगर इसको बेल देनी है तो कुछ ऐसे फैक्ट देखे जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को उसमें फोकस करा जाता है एंड उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसको बेल हो या फिर नहीं तो इसके अंदर मेन बात यह है कि जिसने भी क्राइम किया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट या जज के सामने जो है उसके पेशी की जाती है देन स्टूडेंट्स ये इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर हम देखेंगे कि आखिरकार थर्ड जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हमारे यहाँ डिवाइड किया गया है वो क्या है वो है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करें तो ये ऐसे ऑफेंसेस हैं विच कैन बी कंप्रोमाइज्ड बाय पार्टीज अगर कोई विक्टिम है एंड एंड जिसने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है एंड जो एंड जो क्राइम जो क्रिमिनल है दोनों के बीच एक तरीके से नेगोशिएट हो जाए समझौता हो जाए तो ऐसे में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में यहाँ पर बात करी गई है द विक्टिम एंड द अदर ऑफेंडर जो ऑफेंडर है जो विक्टिम है दोनों के बीच कहीं ना कहीं समझौता हो जाना ये इस बात का डिनोट करता है पार्टीज कैन अराइव एट म्यूचुअल कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं जो ऑफेंडर हैं जो विक्टिम हैं वो अराइव करती हैं एक म्यूचुअल कंप्रोमाइज एंड ड्रॉप करती हैं चार्जेस अगेंस्ट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और एनी ट्रायल दीज ऑफेंसेज आर क्लासिफाइड इन सेक्शन थ्री ट्वेंटी टू थ्री ट्वेंटी ऑफ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सी आर पी सी में जो सेक्शन तीन सौ बीस है उसके अंतर्गत कंपाउंड ऑफेंसिस को रखा गया है देन इन द लास्ट द कन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि सीरियस होते हैं नेचर में एंड हैंस नॉट कंपाउंडेबल और जो जिनमें समझौते से जो है काम नहीं चल सकता है एनी सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज इन सच केसेस इज नॉट ऑथराइज इसमें किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट हो जाना ऑफेंडर एंड विक्टिम के बीच ये सब पॉसिबल नहीं है द एक्यूज इन सच केसेज कैन नॉट बी सेट फ्री ऑफ चार्जेस बाय एनी सेटलमेंट बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल एज ऑफन दीज ऑफेंसिस आर फील्ड बाय द पुलिस और द स्टेट ये जो ऑफेंसेज हैं ये डिसाइड करे जाते हैं फॉर द डेक्ट एक्टोरियल और कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंडर ऑनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ट्रायल के बाद जो भी कंक्लूजन निकल कर आता है उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो है कार्रवाई आगे की चलती है जो भी प्रोसेस है वो आगे की चलती है सो so, ये कुछ ऑफेंसेस थे जो कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दिए गए हैं आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार कितने प्रकार के क्रिमिनल ऑफेंसेस हमारे यहाँ दिए गए हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स डैट्स ऑल फॉर टूडे आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग वेरी वेल अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने का आपके डाउट्स को क्लियर करने का आप आप जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है वहाँ से आप लोग जो हैं स्टडी मेटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है आप कर सकते हैं वहीं डी एड स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आप जो हैं अपनी क्वेरीज़ को सेंड कर सकते हैं अपने कुछ पर्सनल सजेशंस को सेंड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमारा इंस्टाग्राम पेज है पढ़ाई विद गुरु चेला आप लोग जाइए सर्च कीजिए फॉलो कीजिए एंड वहाँ पर अपनी क्वेरीज़ को अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनको वहाँ पर सेंड कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड इस वीडियो को जहाँ वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक आप जो हैं पहुँचा सकते हैं So dear students, is it thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors, and good wishes for your upcoming semester examinations.